चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद सभी सियासी दल अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। वहीं टिकट को लेकर नेता भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बात कहकर पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। बदायूं की 117 विधानसभा दातागंज से बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे बीजेपी नेता राजीव कुमार सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजय राठौर ने, आप भी इसको सुनिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज बदायूं जनपद के 117 विधानसभा दातागंज पे पहुंच चुकी है। अगर 117 विधानसभा दातागंज सीट के इतिहास की बात की जाए तो बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है। जिसकी भी सत्ता रही वो रिपीट किया है। 2017 में बीएसपी से सुनोद कुमार साख को हरा करके जो है वर्तमान जो विधायक राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया ने यहाँ पे कमान संभाली थी। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार इन पर भरोसा जताते हुए फिर से जो है इनको घोषित किया है। अब देखना ये होगा कि 2022 चुनाव नज़दीक है, 14 फरवरी को वोटिंग होना है, एक बार जो रिपीट कर पाएंगे कि नहीं। आज 117 विधानसभा से विधायक राजीव कुमार सिंह जो कल ही जो है पार्टी ने टिकट घोषित किया है और दोबारा से इन पर भरोसा जताया है, हम इनसे बात करेंगे कि जो पार्टी ने तो एक बार भरोसा दोबारा से जताया है, क्या जनता कितना भरोसा जताएगी और जनता के बीच कौन कौन से कार्य जो 5 वर्ष में किए हैं और क्या वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, 5 वर्ष हमारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में लोगों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प लेकर हमने काम किया और हमने गांव तक पहुंचने का काम किया है। गांव के गरीबों की समस्याओं को समाधान किया है। हमने वादे नहीं किए हैं, काम किया है। और आज यही कारण है कि सारे दल घबराए हुए हैं और सब एक हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, सुनामी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछली बार से अधिक उत्तर प्रदेश में 300 से पार लेकर सीटें हम सरकार दोबारा बनाएंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निसंदेह उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर जा रहा है, उन्नति की ओर जा रहा है। मैं अपनी विधानसभा की बात क्या करूं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए, अगर विधायक जी बात की जाए 117 विधानसभा की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3000 करोड़ से अगर कहा जाए तो 60 वर्षों में जो नहीं हुआ को दातागंज की जनता को जिस चीज़ का इंतजार था, तो एक 3000 करोड़ विधानसभा के लिए बहुत बड़ा काम होता है। तो किस किस तरह से जो है 3000 करोड़ का काम हुआ? नहीं, देखिए, मैंने पूरी विधानसभा में बिना भेदभाव निष्पक्षता के आधार पर जहाँ जिस चीज़ की जरूरत थी सरकार के साथ सहयोग करके, आदरणीय योगी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आदरणीय मोदी जी का भी आभारी हूँ। उन्होंने कई परियोजनाएं जो हमारे दातागंज के विकास में मील का पत्थर होंगी, साबित होंगी, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक एथेनॉल की फैक्ट्री जो सपना था इस दातागंज क्षेत्र में लगी है। हमने एक बहुत बड़ा बिजली घर भी यहाँ बनाने का काम किया है सैंजनी में, एक सैंजनी में महिला पीएससी की बटालियन कई 100 करोड़ की दातागंज में स्थापित हो गई है। जिला कृषि विज्ञान केंद्र समड़ेर में काम कर रहा है, स्थापित हुआ और बन के तैयार हो गया। उसावा में राजकीय महाविद्यालय बन के तैयार हो गया, उसमें शुरुआत होने वाली है। फायर स्टेशन जो कहीं नहीं था यहाँ पर बनवाया गया दातागंज में और वो भी चालू हो गया है। इसी तरीके से रामगंगा पर पुल और कितने काम जो इस क्षेत्र की आवश्यकता थे, 5 जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर ब्लॉक में एक हाई स्कूल दिया गया है। मतलब जो जनता की आवश्यकताएं थी उन सब आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है। जनता तन मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैं दावा करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास किया है, यहां की जनता उस विश्वास को पूरा करने का काम करेगी। और पिछली बार से 50,000 अधिक वोटों से जनता यहाँ से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ की जनता तन मन से दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैं उनके साथ हूँ, वो और हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। विधायक जी, 5 वर्ष गुजर गए, 5 वर्षों में जो कार्य हुआ, आपको लगता है कि ऐसे कौन से काम छूटे हैं 2022 में पुनः चुन करके आएंगे तो उनको अभी बाकी करना है? अब देखिए, सड़कें यहाँ हो गई, स्कूल हो गए, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया और फायर स्टेशन हो गया, हिंदुस्तान
पेट्रोलियम की एक फैक्ट्री लग गई। इसके अलावा भी अब जहाँ भी जो ज़रूरत होंगी, मैं समझता हूँ कि कुछ रोजगार के अवसर देने के लिए कुछ और उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। क्षेत्र जैसे पिछड़ा क्षेत्र है, रोजगार की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, उनसे अलावा अगर आने वाले 5 वर्षों में किस तरह के और रोजगार होंगे? नहीं, जैसे हमारी सरकार प्लेसमेंट करती है, हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं हैं जो हर विधानसभा में जाकर वहाँ पर प्लेसमेंट के मेले लगवाते हैं और वहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के काफ़ी सैकड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार मिला है और आगे आने वाले समय में भी यहाँ कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे उद्योग स्थापित करने के काम किए जाएंगे और जो हमारे एक जनपद एक उत्पाद के द्वारा भी हम यहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम उनको यहाँ से लाभान्वित करके यहाँ की बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। बब्बू भैया जो है वर्तमान विधायक भी हैं 117 विधानसभा दातागंज से, और जो काम अधूरे छूटे आने वाले 5 वर्षों में उनको पूरा करने के बाद जो है एक बार रोजगार के जो है अवसर, रोजगार मिलने वाले जो इस तरह के फैक्ट्रियों का यहां पे निर्माण किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विजय राठौर।